राजधानी में एक बार फिर से गुंडा बदमाशों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वही उत्पात मचा रहे गुंडा बदमाशों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं सहित अन्य अपराधों के कुल 62 आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं एक सप्ताह के अभियान में 500 से ज्यादा बदमाशों को जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा शहर में होटल, ढाबा और अन्य दुकानों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से बंद कराया जा रहा है। साथ ही डायल 112 की टीम रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के सभी क्षेत्रों में गश्त कर रही है। रायपुर पुलिस का गुंडा बदमाशों के खिलाफ, निगरानी बदमाशों के खिलाफ, चाकूबाजों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। लगभग 400 के आसपास हमने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ को आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, और पुराने अपराध हैं उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार पुलिस का अभियान जारी है। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अब पुराने गुंडा बदमाशों के साथ नए गुंडा बदमाशों की कुंडली तैयार कर ली है। सभी क्षेत्रों में रेड कार्रवाई कर ऐसे गुंडा बदमाश और आपराधिक तत्वों के खिलाफ एक बार फिर से ठोस कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। अब तक 500 से ज्यादा गुंडा बदमाशों को जेल पहुंचा दिया गया है। देखना होगा आने वाले समय में इस कार्रवाई का कितना असर देखने को मिल पाता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।